अपने प्रभु श्री राम की प्रीति का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री रामानुज लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा नंदन ने भी उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव जी का परिचय दिया। नीति निपुण पवन कुमार ने श्री राम के मुखारविंद को अपलक द्रगों से देखते हुए विनर्म वाणी में कहा, प्रभु अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली की भयानक शत्रुता के कारण सुग्रीव ऋषय मुख पर्वत पर निवास करते हैं। वे राज्य से बहिष्कृत और स्त्री के वियोग में अतिशय दुखी हैं। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन व्यतीत कर रहे हैं। यही स्थिति आपकी भी है। सुग्रीव जी को समर्थ सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर लें तो निश्चय ही सुग्रीव जी को बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य तथा पत्नी प्राप्त हो जाने पर वे माता सीता के अन्वेषण एवं उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप सुग्रीव को आत्मीय बना लें। भगवान श्री राम की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार उन युगल मूर्तियों को अपने कंधों पर बैठाकर ऋषयमुख के लिए चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी ओर आते देखकर सुग्रीव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री अंजनय युगल मूर्तियों सहित सुग्रीव जी के समीप पहुंचे। सुग्रीव जी ने उन परम तेजस्वी कुमारों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भगवान श्री राम से परिचय कराया। तदंतर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर धर्मवत्सल श्री राम एवं सुग्रीव जी में मैत्री स्थापित करा दी। भगवान श्री राम एवं वानरराज सुग्रीव दोनों प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव अधिक पत्तेदार और फूलों वाली शाखा बिछाकर उस पर अत्यधिक आदर पूर्वक सीतापति श्री राम को बैठाकर स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की एक पुष्पित डाली तोड़कर सुमित्रा नंदन को बैठने के लिए दी। हर्षोत्फुल सुग्रीव जी ने सिनग्ध मधुर वाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए भी दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीन कर अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित होकर इस पर्वत पर निवास करता हूँ। आप मुझे अभय कर दीजिए। भगवान श्री राम ने वचन दिया, मित्र सुग्रीव मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उनके प्राण की रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं। निखिल भुवन पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से बाली मारे गए। त्रिलोक्य त्राता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा वहां आकर करुण क्रंदन करने लगी। उस समय तारा रानी को समझाते हुए परम वीतरागी हनुमान जी ने कहा, देवी जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख स्वरूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसी को शोचनीय समझकर शोक क्यों करती हो? स्वयं दीन होकर किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है? देवी तुम विदुषी हो, अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसीलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा रानी को समझाते हुए यह भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं,
अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधा पति के पद पर साविधि अभिषिक्त कर दिया। श्री बाली पुत्र अंगद युवराज हुए। सुग्रीव को धन संपत्ति राज्य और पत्नी सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गईं। अशरण शरण श्री राम की कृपा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए प्रवर्षण गिरी पर चले गए। आंजनेय प्रति क्षण अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी अभी राज्य पद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सचिव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव जी के समीप रहने लगे। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। सुग्रीव जी को सत परामर्श दान। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राण प्रिय जनक दुलारी की चिंता करते हुए प्रवर्षण गिरी पर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति राज्य एवं पत्नी रूमा के साथ अनिंद सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रमोदित थे। वे निश्चिंत होकर राज्य के भोगों का उपभोग करने लगे। वे राज्य सुख में इतने तन्मय हुए कि उन्हें अपने परम हितेशी सानुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवन पुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में सुपटु श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम का ध्यान प्रतिक्षण बना रहता था। माता जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वे अतिशय व्यग्र थे। जब श्री पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा करने के योग्य हो गए, किंतु वानरराज सुग्रीव अपनी प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं, तब वे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, तब उन्होंने सुग्रीव जी के पास जाकर सत्य प्रिय एवं हित प्रद वचन कहे। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मार्ग के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रु दमन भगवान श्री राम हमारे परम स्वद हैं। उनके कार्य का समय व्यतीत होता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी माता सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वह आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीता जा रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी के कहने के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दें, तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा। किंतु यदि उन्हें उसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी, तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है।
उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों करते हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई, वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी माता सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर भी करना चाहिए। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम।